ऑफ पैडी कैन बी इंक्रीज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, यानी कि धान की फसल को किसके एप्लीकेशन द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो राइट आंसर है ए, नो स्टॉक। तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें देखना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट है लैप्टोज स्पोरेंजिनेट, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम इज फाउंड इन ऑल मेंबर्स टेरोफसिडा, सीड हैबिट इज सोन बाय सेलेजिनेला। तो ये भी सही है, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है यूनिटम लीव्स आर मोनोमॉर्फिक एंड पिनेटली कंपाउंड। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इन जिनेटम द लीव्स आर एवरग्रीन अपोजिट एंड ग्लोसी डार्क। फोर्थ स्टेटमेंट है स्पोरिक म्योसिस इज फाउंड इन वॉलवॉक्स क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोकोकस मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम आर ग्रुप्स ऑफ। तो राइट आंसर है सी, आर्किबैक्टीरिया डेट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोट कोर हिस्टोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट आर नॉट सीड प्रोड्यूसर्स, इनमें से कौन से ग्रुप के प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं? तो राइट आंसर है बी, फर्न एंड फुनेरिया। फर्न एंड फुनेरिया टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स से बिलोंग करते हैं एंड ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस, इनमें से कौन एक हेट्रोस्पोरस है? तो राइट आंसर है सी, साल्विनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकस रेवोलुटा इज पॉपुलरली नोन एज। तो साइकस रेवोलुटा को सागो पाम भी कहते हैं, क्योंकि इसके पित्त से सागो ऑब्टेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट इज थैलोफाइटा टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा या फिर स्पर्मेटोफाइटा। तो राइट आंसर है पी, टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायटोमेसियस अर्थ इज ऑब्टेंड फ्रॉम। राइट आंसर इज ए, बेसिलिरोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटाइडोफाइट्स फ्लोएम इज विदाउट। राइट आंसर इज सी, कंपेरियन सेल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेप्रोफाइटिक ब्रायोफाइट। राइट आंसर इज बी, बक्सबियोमिया एफाइला। आयोडीन इज ऑब्टेंड फ्रॉम, आयोडीन किससे ऑब्टेंड होता है? तो आयोडीन इज एक्सट्रेटेड फ्रॉम ब्राउन एल्गी लैमिनेरिया विच इज आल्सो नोन एज स्कैल्प्स। हेट्रोसिस्ट्स आर प्रेजेंट इन, हेट्रोसिस्ट पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है डी, नो स्टॉक। तो हेट्रोसिस्ट मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल्स होती हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है एंड ये ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि नो स्टॉक में पाई जाती है। इन जिम्नोस्पर्म्स द पोलन चैम्बर्स रिप्रेजेंट, जिम्नोस्पर्म में पोलन चैम्बर किसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो राइट आंसर है डी, द माइक्रोस्पोरेंजियम इन विच पोलन ग्रेन्स डेवलप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्न प्रोथेलस इज बाइसेक्सुअल, इफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस बिटवीन देयर गैमेट्स देन इट इज नोन एज। राइट आंसर इज बी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल्स इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन दैट इज फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रिमिटिव मेंबर इन विच रूट्स आर नॉट प्रेजेंट। राइट आंसर इज बी, राइनिया। यूबिस बॉडीज आर प्रेजेंटेड, यूबिस बॉडीज कहाँ पाई जाती हैं? तो यूबिस बॉडीज टैपिटम की सेल्स में पाई जाती हैं जो कि पोलन ग्रेन का एक्साइन पार्ट बनाती हैं। तो राइट आंसर होगा डी, टैपिटम। इंडूसियम इज फाउंड इन, राइट आंसर इज बी, फंड्स।
कैलिप्ट्रा इज डेराइव्ड फ्रॉम? राइट आंसर इज ए आर्चिगोनिया। सेंटेन स्पंजस, इनमें से कौन सी सेल स्पंजस में नहीं पाई जाती हैं? तो ऑप्शन है ए है ट्रोफोसाइट्स, बी मायोसाइट्स, सी आर्कियोसाइट्स एंड डी नीडोसाइट्स। तो उसका राइट आंसर है डी नीडोसाइट्स, जिन्हें स्टिंगिंग सेल्स भी कहते हैं एंड ये निडेरियंस में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड स्टोरेज इन ल्यूकोसोलेनिया अकर बाय? राइट आंसर इज सी थीसोसाइट। द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑल एडल्ट वर्टेब्रेट्स इज? राइट आंसर इज बी डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्टेब्रेट? इनमें से कौन एक वर्टेब्रेट नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी सी हेयर। तो सी हेयर फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है एंड ये एक वर्टेब्रेट नहीं है। नोटोकॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम? नोटोकॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम द मीसोडर्म ऑफ जर्म लेयर। राइट आंसर इज ए। द साइंटिफिक नेम ऑफ घरियाल इज? द साइंटिफिक नेम ऑफ घरियाल इज ऑप्शन बी गैवियलिस गैंगेटिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट फर्स्ट है सेफेलोकोर्डेड बियर नोटोकॉर्ड ऑल अलोंग द बॉडी थ्रू आउट द लाइफ, तो स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है यूरोकॉर्डेड बियर वर्टिब्रल कॉलम ओनली इन टेल रीजन थ्रू आउट द लाइफ, तो ये गलत दिया हुआ है क्योंकि यूरोकॉर्डेट में वर्टिब्रल कॉलम केवल उनके लार्वल स्टेज में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी फर्स्ट करेक्ट सेकंड रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीमोसाइनिन पिगमेंट इज फाउंड? इनमें से किस में हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है? तो हीमोसाइनिन पिगमेंट मोलस्क में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए लोअर इनवर्टिब्रेट्स, जिसमें कि मोलस्क में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले दिया हुआ है ए साइक्लोस्टॉम्स, तो साइक्लोस्टॉम्स एगेंथा से बिलोंग करते हैं, एवीज टेट्रापोड से, ट्यूनिकेट्स यूरोकॉर्डेटा से, बेलेनोग्लोसस हेमिकॉर्डेटा से एंड ओस्टियोकाइथिस बिलोंग करते हैं पिसिस से, तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रास्टिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय? राइट आंसर इज बी प्लेकॉइड स्केल एंड वेंट्रल माउथ। इथियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ? इथियोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी की जाती है? तो इसका राइट आंसर है डी फिशेस। इसके अलावा एम्फीबियंस की स्टडी को हर्पेटोलॉजी एंड एवियस की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। व्हाट विल हैपन इफ लिगामेंट आर टॉर्न? यदि लिगामेंट टॉर्न हो जाए तो क्या होगा? तो राइट आंसर है ए बोन विल बिकम अनफिक्स्ड। इन सी एनीमोन द सिमेट्री इज? सी एनीमोन में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है रेडियल सिमेट्री। सोलेनोसाइट्स आर एसोसिएटेड विद? राइट आंसर इज सी एक्सक्रीशन। सोलेनोसाइट्स एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फोर वेज थ्रू विच एड्स कैन स्प्रेड? राइट आंसर इज ए इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजेक्शन ऑफ टिश्यू ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स इज बोथ अबाउट मेनली बाय? राइट आंसर इज ए साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। सेल्स ऑब्टेंड फ्रॉम कैंसरस ट्यूमर्स आर नोन एज? राइट आंसर इज बी माइलोमास। विच इम्यूनोग्लोबिन इज प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स? राइट आंसर इज डी IgM। एक्सपेंड एलिसा,
एलिसा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्टर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी आर। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि स्पेसिफिटी ऑफ एंटीजन, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, एंड रिटेन्स मेमोरी। टी सेल्स आर लिम्फोसाइट्स विच प्रोड्यूस द सेलुलर इम्यूनिटी, दीज आर डेवलप्ड फ्रॉम। राइट आंसर इज ए, थाइमस। द इम्यून सिस्टम विच वर्क्स अगेंस्ट सेल्फ इज, राइट आंसर इज बी, ऑटो इम्यूनिटी। द इम्यूनिटी ऑब्टेंड आफ्टर द बॉडी हैज रिकवर्ड फ्रॉम अ डिजीज इज, राइट आंसर इज ए, एक्टिव इम्यूनिटी। एड्स वायरस हैज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज ड्यू टू, राइट आंसर इज ए, बी, लिम्फोसाइट्स। एलिसा टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, राइट आंसर इज बी, HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसिटिविटी टू एनी एलर्जन इज रिलेटेड टू, राइट आंसर इज ए, डेविएशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इम्यूनिटी। अ मॉलिक्यूल दैट एलिक्ट्स एन इम्यून रेस्पॉन्स इज कॉल्ड, राइट आंसर इज बी, एंटीजन।